नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघना शेखावत, आयुर्वेदिक डॉक्टर। कोरोना आज इस महामारी ने पूरे विश्व को जकड़ के रखा है और सभी दहशत में हैं कि हम ऐसा क्या करें कि अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकें। ऐसे समय में आयुष मिनिस्ट्री ने आयुर्वेद के माध्यम से कुछ सलाहकारी उपचार बताए हैं जिसे मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। सबसे पहले वो लोग जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है, यानी कि वो असिम्प्टोमेटिक हैं लेकिन उनके परिवार में लोग संक्रमित हैं, वो क्या बेहतर उपाय कर सकते हैं। तो उन लोगों को अश्वगंधा 500 mg की मात्रा में सुबह शाम नियमित रूप से 15 दिन तक लेना चाहिए। गुड़ूची घनवट्टी 500 mg की मात्रा में सुबह शाम नियमित रूप से 15 दिन के लिए लेना चाहिए। ये उनके लिए एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करेगी और उनकी इम्यूनिटी पे बहुत बेहतर काम करेगी। साथ ही च्यवनप्राश का उपयोग भी सुबह शाम एक एक चम्मच गर्म पानी या गर्म दूध के साथ आप ले सकते हैं और लंबे समय तक ले सकते हैं। इसके अलावा आयुष्क्वाथ जो मार्केट में भी अवेलेबल है और आप उसे घर में भी बना सकते हैं, एक चुटकी हल्दी, तुलसी, गिलोय, शुंठी या फिर सौंठ, अदरक, काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। आप एक ग्लास में इन्हें उबाल लीजिए और जब एक चौथाई कप रह जाए तो आप उसे शहद या फिर गुड़ के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। ये अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह 7-8 बजे से पहले और शाम को 6-7 बजे के बाद लेना है। इसके बाद वो लोग आते हैं जिनको माइल्ड, मॉडरेट या फिर सीवियर सिम्टम्स होते हैं, यानी कि बुखार है, 99 से ऊपर उनको टेम्परेचर रहता है, खांसी है, गले में खराश है, सूखा गला है, सिरदर्द है, जुखाम है। ऐसे व्यक्तियों को आयुष 64 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही प्रिस्क्राइब्ड है, उसे एक एक गोली दिन में 3 बार 15 दिन तक या फिर जब तक उनको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तब तक उनको प्रयोग करना चाहिए। अश्वगंधा और गुड़ूची का नियमित रूप से आप प्रयोग कीजिए। साथ ही जिनको खांसी ज़्यादा है वो सीतोपलादी या अतालीसादी चूर्ण का भी प्रयोग शहद के साथ एक एक चम्मच सुबह शाम या दिन में 3 बार कर सकते हैं। महासुदर्शन घटवटी को भी आप 2-2 गोली सुबह शाम जब तक आपको बुखार है उस समय प्रयोग कर सकते हैं। षडंग पानी का रूप आप पानक के रूप में उसे प्रयोग कर सकते हैं, पानी में मिक्स करके वो आपके अंदर की गर्मी को कम करेगा। इसके अलावा जिनको सूखा गला है, टेस्ट नहीं आ रहा है या फिर सुगंध नहीं आ रही है, वो लोग व्योषादी वटी का प्रयोग कर सकते हैं 2-2 गोली दिन में 3 बार। साथ ही अगर सूखे गले में आप मधुयष्टि या फिर मुलेठी चूर्ण का भी 1-1 चम्मच सुबह शाम प्रयोग कर सकते हैं शहद के साथ। इसके अलावा जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक काढ़े हैं वो वाश्लेष्मिक ज्वर हरक्वाथ या फिर गोजेवादिक क्वाथ है, आप उसे भी 1-1 चम्मच पानी में उबाल लीजिए और जब 1/4 कप रह जाए तो उसका प्रयोग सुबह और रात्रि के समय कर सकते हैं। ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण इलाज जो हमारी आयुष मिनिस्ट्री ने जिनका प्रोटोकॉल्स बनाया है। इसके अलावा स्वर्ण का प्रयोग बहुत बेहतर होता है लेकिन आप उसे किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही करें। तो ये कुछ कारगर उपाय हैं। साथ ही जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स होते हैं यानी कि जो रिकवरी फेज में हैं वो क्या कर सकते हैं, वो लोग अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं, च्यवनप्राश नियमित रूप से लीजिए, साथ ही रसायन चूर्ण 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम नियमित रूप से आप 2-3 महीने तक उसका उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही जैसे मैंने पहले कहा स्वर्ण का प्रयोग कर सकता है। स्वर्ण की जो भी टैबलेट्स या औषधियाँ आती हैं किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के परामर्श के साथ आप उसे उपयोग कर सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारी दिनचर्या, वो कैसी होनी चाहिए। सुबह उठ के हमें योगा और प्राणायाम करना चाहिए। अनुलोम विलोम के माध्यम से अपने शरीर में हम प्राणवायु का संचार कर सकते हैं, हम शरीर को स्फूर्ति दायक बना सकते हैं। और साथ ही जब हम उठते हैं सुबह जल्दी वैसे ही नियमित रूप से लेट सोना नहीं है। अभी लॉकडाउन का समय है तो आप सोने का भी नियम बताएं और 6-7 घंटे की नींद आपको ज़रूर लेनी है। इसके अलावा आप वाष्प स्टीम लीजिए घर में, आप उसमें अजवाइन, पुदीना या फिर यूकेलिप्टस ऑयल की 1-2 बूंद डाल के भी आप स्टीम का उपयोग कर सकते हैं। नस्से का उपयोग आपको सुबह और शाम करना है, 2-2 बूंदें खाली पेट जब आप रहें तो आप 2-2 बूंदें सुबह शाम अणु तेल, षडबिंदु तेल या फिर तिल तेल या फिर गाय का घी भी आप उसमें उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी दिनचर्या बनाएं। रात को सोते समय हमेशा आप हल्दी वाला दूध लीजिए, काली मिर्च डाल के, अगर इंडाइजेशन है तो आप उसको काली मिर्च ज़रूर डालनी चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी दिनचर्या को बनाए रखिए। साथ ही जो भोजन करते हैं वो गर्म और ताज़ा होना चाहिए, रखा हुआ या फ्रिज का भोजन ना करें। डेजर्ट कम लीजिए और बेकरी प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड कीजिए। ज़्यादातर आप हरी सब्जियों का, पत्तेदार सब्जियों का, ताजे फलों का उपयोग अपनी डाइट के अंदर कीजिए। स्प्राउट्स आप ले सकते हैं और जो भी न्यूट्रिशियस फूड है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और नियमित रूप से आप गर्म पानी पीते रहिए, वो एक महाऔषध है, आप उसमें तुलसी और लौंग भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह के उपचार आप करेंगे तो आप ज़रूर स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।